नमस्कार दोस्तों, तो आज का वीडियो है हेलो बॉक्स के सॉफ्टवेयर के ऊपर और उस सॉफ्टवेयर में हमें क्या मिलने वाला है और उसमें हमें किस तरीके से एक्टिवेट करना है वो भी हम जानेंगे और एल कोड कहां से परचेस करें वो भी जानेंगे और फायदा हमें है या नहीं है हेलो बॉक्स के सॉफ्टवेयर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि GX6605A हो या D हो या कोई भी हो, DL6605 कुछ भी हो आपका, GX के मॉन्टेज के चिपसेट में हम हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। और साथ में हम GX वाले सेट टॉप बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ये भी आपको पता है। और रही बात मॉन्टेज के सेट टॉप बॉक्स में, तो मॉन्टेज के सेट टॉप बॉक्स में हेलो बॉक्स बॉक्स का सॉफ्टवेयर अगर हम डालेंगे तो EAC ऑडियो 3 जो रहता है बहुत से चैनलों में 100 आर्टिस्ट पर वो सपोर्ट करने लग जाएगा, बहुत ही अच्छी आवाज आएगी, उसकी क्वालिटी आ रही है, कोई समस्या होने वाली नहीं है अगर मॉन्टेज का सेट टॉप बॉक्स है तो। और GX का अगर सेट टॉप बॉक्स है दोस्तों, तो GX के सेट टॉप बॉक्स में भी मैं बता देता हूं कि अगर आप वो सॉफ्टवेयर करेंगे तो उसमें भी आवाज आएगी और बिना सॉफ्टवेयर करे भी GX के सॉफ्टवेयर में आवाज आती है दोस्तों, लेकिन आपकी टीवी सपोर्टेड हो। अब बात करते हैं कौन सी टीवी सपोर्टेड है जिसमें हमारी आवाज आएगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने जहां तक प्रैक्टिकल किया है कि एंड्रॉइड टीवी ज्यादातर है वो सभी में आवाज आ रही है एंड्रॉइड टीवी में, और उसके अलावा अगर हमारे पास LED टीवी है कोई सी भी हो तो सभी में आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ कुछ कंपनियों की टीवी है जिनमें मैंने खुद चेक किया है तो आवाज़ आ रही है। जैसे कि मान लीजिए सोनी की टीवी हो गई, उसमें आवाज़ आ रही है दोस्तों, एंड्रॉइड भी ना हो सादा टीवी हो तो भी आवाज़ आएगी आपके GX6605 वाले बोर्ड से। और अगर आपके पास सोनी के अलावा LG, सैमसंग इनमें भी आवाज़ आ रही है दोस्तों, पैनासोनिक में भी आवाज़ आ रही है, इनके अलावा अगर और कोई सी ब्रांड है जैसे कि मान लीजिए एनटेक्स है या माइक्रोमैक्स है या BPL, मार्केट में और भी बहुत सी कंपनियों की टीवी चल रही हैं तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही है GX वाले में। मॉन्टेज के सेट टॉप बॉक्स में अगर आप हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर डालेंगे तो किसी कोई सी भी टीवी हो सभी में आपकी आवाज़ आएगी। ये तो हो गया कि हम मैं फ़ायदे बता रहा हूँ कि आखिर फ़ायदे ये हैं दोस्तों। आज हम फुल डिटेल जानेंगे कि आखिर हेलो बॉक्स के सॉफ्टवेयर करने पर हमें क्या फ़ायदा मिलता है और एल कोड हमें परचेज कहाँ से करना है, सारी बातें समझेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, वीडियो पूरा देखिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो ख़त्म होने से पहले ही दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार हमें हेलो बॉक्स के सॉफ्टवेयर में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है और कहां से हमें एल कोड परचेज करना है जिससे कि हमारा SKM चल सके और हमारा बॉक्स एक्टिवेट हो सके। EAC3 ऑडियो के बारे में बता ही चुका हूं। अब बात करते हैं कि आखिर एल कोड, तो दोस्तों एल कोड जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट हमारी जो है हेलो बॉक्स की, उस वेबसाइट पर 400 रुपये का दिया हुआ है हेलो बॉक्स का एल कोड। तो आपने अगर सॉफ्टवेयर कर लिया है और आपका बार कोड पर अटक गया है सेट टॉप बॉक्स, तो आपको हेलो बॉक्स के वेबसाइट पर जाना होगा, वहां से कोड परचेस करना होगा, तभी आपका बॉक्स एक्टिवेट होगा। लेकिन बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि 150 या 200 रुपए के आसपास आपको कोड प्रोवाइड करा रहे हैं और वो है फेक कोड दोस्तों। उससे क्या होता है कि जैसे ही आपको सेट टॉप बॉक्स में डालेंगे तो तुरंत तो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारा बॉक्स एक्टिवेट होने के बाद हेलो बॉक्स का अगर सॉफ्टवेयर डला है तो उसका जो डाटा रहता है वो सीधा डाटा कंपनी की तरफ चला जाता है। तो कंपनी के डाटा बेस में जब वो कोड एक्टिवेट नहीं मिलेगा तो कंपनी क्या करती है, उस कोड को बैन कर देती है और वो बॉक्स को डेड कर देती है। समझिए बात को कि कंपनी उस बॉक्स को डेड कर देगी। तो डेड ना हो तो उसके लिए क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही परचेस करना है कोड, अन्यथा किसी से भी चाहे वो 400 रुपये का भी दे तो मत कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो बार कोड की फ़ोटो खींचकर आपको वहां पर अपलोड करना है और पेमेंट करना है, उसके बाद वो आपको कोड प्रोवाइड करा देंगे बहुत ही ईजीली तरीके से। अब बात करते हैं कि हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर हम क्यों डालें और हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर डालने पर हमें फ़ायदा ये मिलने वाला है, एक तो हमें IPTV मिलेगी और जिन लोगों के पास ऑलरेडी डला हुआ है तो उनके लिए भी IPTV मिली गई रही होगी। IPTV में पूरे वर्ल्ड के चैनल हैं, किसी भी कंट्री के आप देख सकते हैं, इंडिया के चैनल भी उसमें बहुत सारे हैं और IPTV समय समय पर अपडेट होती रहती है। हेलो बॉक्स के सॉफ्टवेयर से मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि उसमें जो IPTV
का ऑप्शन दिया गया है, उस आईपीटीवी में जो चैनल रहते हैं वो समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, और वो हम नहीं करते दोस्तों, वो कंपनी द्वारा ही अपडेट होते रहते हैं, जिससे होता क्या है कि जो भी लेटेस्ट चैनल आते हैं तो वो उसमें इंक्लूड कर देती है कंपनी, और कुछ रिमूव भी कर देती है। उसमें बहुत सारी लिस्ट हैं, जैसे कि अनसॉर्टेड है, एक अलग से लिस्ट दी गई है जिसमें बहुत सारे चैनल हैं, कंट्री वाइज भी दिया गया है, तो जिस तरह से आप चलाना चाहें उस तरह से चला सकते हैं। अब बात करें कुछ एक्स्ट्रा आपकी फरमाइश होगी उस तरह की चैनल देखने के लिए, अरे मन में लड्डू फूटा दोस्तों, समझ गए होंगे मैं किस तरह के चैनल की बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों के मन में लड्डू फूट रहा है दोस्तों, तो प्ले वो चैनल भी आ चुका है हमारे आईपीटीवी पर दोस्तों, हेलो वॉक्स के सॉफ्टवेयर में प्ले वॉय चैनल, वो भी रेड वाला। याद रखें प्ले वॉय चैनल के अलग अलग कलर आते हैं जैसे कि आपको पता ही है, तो रेड वाला उस पर चल रहा है, बहुत ही स्मूथली चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो इसके अलावा हमें और उसमें ऑप्शन जो मिलते हैं DLNA जैसा कि है, यूट्यूब मोटूब ये सब कुछ, यूपॉन तो वो तो मिलता ही है दोस्तों, लेकिन हम बात करें इसके अलावा उसमें हमें एक्टिवेट करने पर एसकेम मिलता है वन ईयर के लिए, उसमें हमें क्या चलेगा 108 चलेगा, 83 के कुछ चैनल चलेंगे और 95 के भी कुछ चलेंगे, और अदर कंट्रियों के सैटेलाइट 85 हो गया, 13 हो गया, 39 हो गया, ऐसे कुछ सैटेलाइट हैं जिनके चैनल वर्किंग में हैं, लेकिन मुझे फुल मैंने टेस्ट तो नहीं किया है कि इंटरनेशनल जो भी सैटेलाइट हैं, विदेशी चैनल जो चल रहे हैं, तो मेरा डिश एंटीना उस तरफ नहीं है तो बता नहीं सकता हूँ कि, लेकिन हाँ वर्किंग में है दोस्तों, बहुत से लोग यूज कर रहे हैं उसको, तो कोई इशू नहीं होने वाला। तो ये तो हो गया दोस्तों, और साथ में एक बात और बता दूं कि उसमें क्लाइंट सेटअप भी मिल जाता है आपको, जिसमें शेयरिंग का कोड भी आप उसमें डाल कर यूज कर सकते हैं। अब हमें हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर में ये तो फ़ायदा मिल गया, सेकंड हमें प्रॉब्लम क्या मिल रही है दोस्तों, हमारे जो मॉन्टिज का सेटअप बॉक्स है उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ GX के बोर्ड में जरूर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें वाईफाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बार बार डिसकनेक्ट होता हो जाता है, अगर कंटिन्यू कनेक्ट है और तो बीच में डिसकनेक्ट भी हो रहा है, इस वजह से हमें वाईफाई की समस्या उसमें देखी गई है, चाहे आप कोई सा वर्जन इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे 2.0 2.1 जो भी हो, ये सब में देखी जा गई है। इसके अलावा और इसमें नुकसान क्या है, तो नुकसान ये है दोस्तों एसकेएम जो है वो उसमें पैसा दे रहे हैं, तो उसके अलावा हम शेयरिंग कोड से भी चला सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है हमें स्कैम की, तो इतना सब झंझट पालने की किसी को आवश्यकता ही नहीं, जब सीधे सीधे सब कुछ चल रहा है तो चला सकते हैं। और रही बात उसमें M3U फाइल, तो हम चला ही सकते हैं, तो M3U फाइल आप आसानी से उसमें यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। हेलो बॉक्स के सॉफ्टवेयर में आप जो जानते ही हो रिमोट पेयर करने की बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है, बार बार बटन दबाओ कोई सा भी तो उसमें एक रिमोट का ऑप्शन आ जाता है, आप कोई सा भी रिमोट पेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी रिमोट पेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हेलो बॉक्स की वेबसाइट में जाइए और हेलो मर्जर के नाम से एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उस सॉफ्टवेयर में आपको रिमोट पेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन एक और रही बात एल कोड की दोस्तों, तो एल कोड हमारा बार कोड, जैसे ही हम सॉफ्टवेयर बॉक्स में डालते हैं तो एक बार कोड आता है हमारी टीवी पर, और बार कोड आने के बाद आप उसकी फ़ोटो निकालते थे, हमारे DVB फाइंडर वाला जो सॉफ्टवेयर है उससे फ़ोटो निकालते थे तो कोड प्राप्त पहले आ जाता था, लेकिन अब बंद कर दिया है कंपनी ने, तो अब वो कोड प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो वो उसकी फ़ोटो आपको वेबसाइट में जाके अपलोड करनी है, फिर आपको कोड प्राप्त होगा और पेमेंट आपको 400 रुपये करना है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको पेमेंट करके लेना है, अगर कोई बंदा आपको 150 रुपये 200 रुपये जितने भी वो सेल कर रहा है उससे कोड परचेस ना करें, अगर आप कोड परचेस करेंगे तो आपके बॉक्स का जो एल कोड आप जैसे ही उसमें डालेंगे तो बॉक्स तो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद बॉक्स एक्टिवेट होने के बाद, क्योंकि एक्टिवेट तो हेलो बॉक्स की कंपनी से ही हो रहा है ना, आप यहाँ से क्या कर रहे हो कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ से डालते हैं तो सीधा इंटरनेट के माध्यम से सीधे उसी सर्वर पर पहुँच जाता है वो कोड, हेलो बॉक्स के सर्वर पर, हेलो बॉक्स के सर्वर पर पहुँचते ही साथ उनके जो डाटाबेस में जो रजिस्टर्ड कोड रहते हैं उन्हें पता रहता है, जो अनरजिस्टर्ड रहते हैं वो भी पता रहता है, तो अनरजिस्टर्ड वाले कोड को वो ब्लॉक कर देते हैं, बॉक्स को भी ब्लॉक कर देते हैं,
तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, आप कोड ऑफिशियल वेबसाइट से ही परचेस करें। तो दोस्तों हेलोबॉक्स के सॉफ्टवेयर के बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी। आपको अगर हेलोबॉक्स का सॉफ्टवेयर डालना है, चाहे वो मोंटेज का हो, जीएक्स का बोर्ड हो, किसी में भी डालना चाहते हैं तो सोच समझ के डालिए, और क्या क्या प्रोसेस आएंगे वो मैं बता ही चुका हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब तो करके जाना, वीडियो को शेयर भी कर देना, थोड़ा और कष्ट कर देना चाहूँगा मैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।